जैन और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए, ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं परुषण के लिए एक हेल्दी उत्तपम की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है और प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर। उसके लिए मैंने ये आधा कप नाचनी का आटा लिया है, रागी फ्लार। आधा कप मैंने ओट्स लिए हैं, जिसे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। 1 टेबलस्पून बेसन है। आधा कप मैंने मूंग लिए हैं, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 1 कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी मैं मिक्सी में दरदरा पीस दूंगी। मूंग को भी मुझे दरदरा पीस लेना है, मिक्सी में भिगोए हुए मूंग को, और ओट्स को भी मैं पीस दूंगी। सारी चीजें मैंने रेडी कर ली है। ओट्स को भी पीस दिया है, ये मसाला भी मैंने देखिए दरदरा पीस दिया है। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स भी नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मूंग को भी मैंने इस तरह से दरदरा पीसा है। और ये 1 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली ली है, जिसे मैंने हाफ क्रश कर लिया है। अब सारी चीजें मैं एक बोल में मिक्स कर लूंगी। रागी का आटा, नाचनी का आटा, ओट्स, बेसन, मूंगफली, मूंग मसाला और नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम उत्तपम में जैसा हमारा बैटर होता है, थोड़ा सा गाढ़ा वैसा बैटर रेडी करेंगे। मैंने ये अभी 1 कप पानी लिया है, जिसमें से सबसे पहले मैं आधा कप डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। जो बचा हुआ आधा कप है उसे भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 10 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट देंगे। 10 मिनट के रेस्ट देने के बाद हम थोड़ा सा इसे अच्छे से फेंट लेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी प्रॉपर है, ऐसी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई सोडा नहीं डालने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फेंट रही हूँ। हेल्दी उत्तपम का बैटर बनके तैयार है। मैंने ये मिनी उत्तपम बनाने का तवा ले लिया है। आप कोई भी नॉनस्टिक तवे पे भी छोटे छोटे उत्तपम या बड़ा उत्तपम भी बना के सर्व कर सकते हैं। मैंने ये छोटा मिनी उत्तपम बनाने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, 2-2 बूंद जितना। आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डाल देंगे। हमें ज्यादा थिकनेस वाले नहीं बनाने हैं। 1-1 टेबलस्पून जितना ही मैं डालूंगी। हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर भी डाल देंगे और इसे हम ढककर स्लो फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद गैस की आंच को मैं मीडियम टू लो के बीच में रखूंगी। चेक कर लेंगे 2 मिनट के बाद। देखिए अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। पलट के फिर से इसे कुक कर लेंगे। अब हमें ढकना नहीं है, अब हम इसे ऐसे ही सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से मैंने गोल्डन इस तरह से सेक लिए हैं। प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे भी बना लेंगे। ये देखिए सारे उत्तपम, मिनी उत्तपम बन के तैयार हैं। और आप देख सकते हैं इसमें मूंग और मूंगफली का थोड़ा सा जो हमें क्रंच आएगा उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा। सर्विंग में ले लेंगे। नाचनी, ओट्स और मूंग सेहत से भरपूर ऐसे हमारे मिनी उत्तपम बनके तैयार है, जिसे आप पर्युषण में भी बना सकते हैं।
मैंने इसे मसाला दही के साथ सर्व किया है। आप चाय कॉफी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जरूर से ट्राई कीजिएगा एक हेल्दी रेसिपी और अपनों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।